हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आलू भुजिया यानी कि आलू की सेव किस तरह बनाई जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ आलू लिए हैं, 4 आलू लिए जिसे कि हमने उबाल कर उसका छिलका निकाल लिया है। 2 कप बेसन लिया है, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार और तलने के लिए तेल। इसके अलावा हमें सेव बनाने की मशीन की भी आवश्यकता होगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। इसे कद्दूकस करते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, जिसके कारण सेव बनाने में आसानी होगी। इस तरह हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मैश कर देते हैं और इसमें बेसन डाल देते हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, अमचूर पाउडर, अगर आपको हींग पसंद है तो आप हींग भी डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उबले हुए आलू रहते हैं, उसमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसे हमें अच्छी तरह से मसल कर सॉफ्ट डो बनाना है ताकि हमारी सेव अच्छी बने। अब हमारा ये सेव बनाने का आटा तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल लगाकर इसे हमें 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखते हैं और सेव बनाने का साँचा लेंगे। अब हमें जिस साइज की सेव बनानी है उस साइज की जाली लगाते हैं। यहाँ हम बारीक सेव बना रहे हैं इसलिए बारीक जाली लगाते हैं। अब सेव बनाने का आटा लेंगे और उसे इस तरह सांचे में डाल देते हैं। इसके पहले सांचे में थोड़ा सा अंदर से तेल लगा लेते हैं ताकि आटा उसमें चिपके ना। इस तरह हम उसे दबा दबा कर पूरे सांचों में आटा भर देते हैं। अच्छी तरह से दबा लेंगे हम ताकि हमारी सेव आसानी से बन सके। अब हम ढक्कन लगाकर सेव बनाना शुरू करते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, हम आंच को धीमी कर देते हैं और सेव बनाना शुरू करेंगे। हम इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए सेव बनानी है। एक तरफ से लाल होने पर हम उसे पलटकर दूसरी ओर से भी अच्छी तरह से तल लेते हैं। गैस को आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसे तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये इसका कलर चेंज हो गया है और ये क्रिस्पी हो गई है, हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और भी सेव बना लेते हैं।
बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। अब हमने सारी सेव तल ली है, हम इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यदि और अधिक चटपटा बनाना चाहते हैं इसे, तो इसमें चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिक्स कर ले, या आप पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमारी चटपटी सेव तैयार है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, ये कई दिनों तक खराब नहीं होगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।